आप हमेशा विवादों में रहते हैं, जब तक लोग आपके साथ होते हैं तो ठीक होता है, जैसे ही आपके साथ मतलब नहीं होते हैं तो आप डोली में गोली मार देते हैं, किसी को भटाल भटियारा बोल देते हैं, मतलब आप अपने गानों से लोगों से बदला लेते हैं। सच में ये गाने किसी के लिए आप गाते हैं कि ऐसे ही लोग विवाद में आपको घसीट देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट अभी का ज्वलंत सवाल है ये। अब निशांत जी मैं आपको बताता हूँ जी, होता क्या है कि मैं उस चीज को मनोरंजन के लिए गाता हूँ। एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए कितना आक्रोश में रहता है जब उसको अगर वो छोड़ने की बात करती है, तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो लगता है कि हमारी दुनिया हिल गई, हमारी दुनिया हिल गई। दूसरी चीज, अभी जो अभी अभी इस गाने की बात कर रहे हैं कि आपने जो मैंने गाना गाया था कि मैं 6 महीना पहले इस गाने को गाया था, ये मुझे पता 6 महीना पहले नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और हर आदमी अपने घर में आ जाएगा जी। और वो गाना को सुनिए, हमरा के तनिको न मानेला दोसर दीवाल जाके फानेला, इत घूमी घूमी खोजत अचारा जी। एक पत्नी अपने पति की जो हरकतें है वो अपने सहेली से बोल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आरा शहर पे पहली बार गाना गाया हूं, मेरे कम से कम 10 ऐसे गाने होंगे जो आरा के लिए होंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई जिला नहीं है, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है, हर वो जिला के लोग मेरे अपने हैं। कुछ लोग इस गाने को विवादित बनाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ाने के लिए, खुद की रोटी सेकने के लिए, उन लोगों ने इस गाने को एक विवाद दे दिया। ओके, मतलब आपने ये गाना किसी के ऊपर नहीं गाया था, आप किसी भी साथी कलाकार के ऊपर गाना नहीं गाते हैं? लोग उसको नहीं, मेरा मानसिक, और आप अगर लोगों को लगता है कि मैंने, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने पवन भैया के लिए गाया है, वो मेरे बड़े भाई है, वो गार्जियन है, उसको आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, जब मैं 6 बरस के था ना तब से मैं देख रहा हूँ उस आदमी को बड़ा देखते हुए, तो आज मेरे जीवन में मेरे कहीं ना कहीं वो पितातुल है, और उस पितातुल इंसान को मैं इतनी अभद्रता के साथ मैं कैसे बोल सकता हूँ, और मेरे लिए कोई जिला बड़ा बात नहीं है, मेरे लिए हर वो जिला मेरा अपना है। एक पत्नी का आप गाना का बोल सुनिए कि हमरा के तनिको लो न माने ला दोसर देवाल जाके फाने ला, तो घूमी घूमी खोजत अचारा भतार भटियारा रहता जाके आ रहा। एक पत्नी का एक दर्द है कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ फंस गया है और वो अपने सहेली से अपनी विधा बोल रही है। ऐसा नहीं था, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का उसमें ना नाम लिया है और ना ही किसी को मैंने टारगेट करके गाया। अच्छी बताइए, हम सब एक भाई ही है, हम किसको टारगेट करेंगे? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम विवाद खड़ा कर देंगे, खेसारी को नीचा गिरा देंगे। जब मैं गरीब था ना, मैं जब लिट्टी बेचता था, लोगों का बर्तन जूठा धोता था ना, तो तब तो कोई नीचे गिरा ही नहीं पाया, क्योंकि जनता और हर आदमी इस बात को जानता है। बिल्कुल केसाल जी, आप अपने हार्ड वर्किंग के बदौलत हैं। केसाली भैया, गाना चोरी का भी बहुत आरोप लगता है, यदा कदा की गाना चुरा लिए, तो क्या ऐसा बातों में सच होता है क्या? मुझे तो, मुझे अच्छी बताइए, मेरे कहने का मतलब कि गाना चोरी का इल्जाम इधर मुझे लगता है कि लहना लखनऊआ और एक अभी एक गाना मेरा रिलीज हुआ है, इसी पे चोरी का इल्जाम लगा है। इससे पहले मेरे पे गाना का चोरी का इल्जाम नहीं लगा, और ये दोनों गाना अखिलेश कश्यप जी का लिखा हुआ। ये बताइए कि जब आपका गाना कोई रिलीज नहीं होता है भाई, आप राइटर हैं या आप आम्रपाली जी लिख रही है कि तुकबंदी के लिए भी कई बार जिले का नाम लेना पड़ता है, सही है? हाँ, तुकबंदी के लिए। अच्छा, पवन भैया कितने बार गाना है, 11 जिला उखाड़ देला किला, तो मैंने ऐसे तो है नहीं ना, छपरा है तो छपरा जी ले, छपर सिवान ही ले, समझ गए। खेसारी जी के फैंस और पवन जी के फैंस या भोजपुरी के जो भी श्रोता है वो लोग जान गए कि कोई भी गाना कोई किसी को टारगेट करके नहीं गाता है, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो छोटे कलाकार है वो आप लोग को भड़काते हैं, इसलिए आप लोग कृपया इन लोग के जाते हैं। तो भैया वो गाना चोरी वाले को हम लोग बात कर रहे हैं कि गनवा चोरी का जो आता है, आवाज नहीं आ रही है निशान जी। हेलो, अभी आ रही है भैया? हेलो, नहीं अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। क्या रही है? अभी भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं? अभी भी नहीं आ रही है, क्या हो गया? अभी नहीं आ रही आवाज, आवाज अचानक से आ रही है, लेकिन वो क्या है कि कुछ लोग पब्लिक को गुमराह करने के लिए, और जिस आदमी को मैं आदर्श मानता हूँ उस आदमी के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए?
मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी उस आदमी के साथ जब मिलता हूँ तो आज भी आदमी मिलता है उस आदमी का तो सम्मान देता है, इसलिए सम्मान नहीं देता है कि नहीं वो मैं एक आर्टिस्ट है, जी नहीं, वो मेरे बड़े भाई है आर्टिस्ट के साथ साथ, उनको मैं छोटे बचपन से मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको देख कर बड़ा हुआ हूँ, तो वो आदमी मेरे लिए गार्जियन है और उस गार्जियन के बारे में मेरे शब्द कभी गलत हो ही नहीं सकते, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूं उनके बारे में मैं ऐसी अश्लील बातें करूं। कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी करके और किसी के नजर में गिराना और पब्लिक के नजर में चीजों को गंदा साबित करने के लिए करते हैं, जबकि एक पत्नी का दर्द है। जनता हमेशा आपके साथ खल रही है और मुझे लगता है कि लोग ये जान करके जान जाएंगे कि सस्ती लोकप्रियता, तो गाना चोरी वाले पर हम लोग थे, तो आपका क्या कहना है? आप कभी मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप गायक हैं, मैं राइटर हूं, अगर कोई गाना रिलीज नहीं हुआ है जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर मैं आपको लिख कर दूं तो आपको कैसे पता चलेगा निशान जी कि ये गाना चोरी का है? बिल्कुल सच्चाई है, ये काफी फिल्मों में भी होता है कि राइटर ने कहानी किसी को दे, तो राइटर की प्रॉब्लम है, ये गीतकारों की प्रॉब्लम है, इसमें कोई स्टार कोई कलाकार की, हाँ, एक कलाकार की गलती कैसे हो सकती है? मेरे गाने का मतलब अब उस राइटर को समझ, वो राइटर कहाँ से लाया, कैसे लाया, अच्छी चीजें जब समझ में किसी को आती है तो उस पे हाँ बोल देता है आदमी। अगर मुझे भी कहानी अच्छी अगर कोई सुनाता है तो आदमी कोशिश करता है ना यार, हमें अब पता चला जाए वो कहानी और कहीं बन चुकी है तो मैं तो लिखा नहीं। हाँ, जब अगर वो रिलीज हो जाएगी सिनेमा उसके बाद अगर मैं वो कहानी करता हूँ तो मैं दोषी हूँ। बिल्कुल, जब आप पर आरोप है कि आप अपने फैंस के द्वारा, भैया लेकिन आवाज तो आ रही है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है आवाज का ना? बार बार आवाज क्यों जा रहा? आवाज आपकी आ ही नहीं रही, अभी आने लगा ना, कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में? नहीं, मेरे तो इसी मोबाइल से लाइव आता, अभी आ रही है आवाज आपको? जितना विवादित मैं हूँ उतना ही विवादित आपका मोबाइल हो रहा है। अभी आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, नहीं सुन पा रहा हूँ, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है आवाज, फिर से काट के कनेक्ट करता हूँ, मैं लगता है बार बार प्रॉब्लम हो रही है हम लोग कनेक्शन, बार बार में होता है उसके, आपके फैंस लगातार गल देने लगते हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि आप सच में ऐसा करते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं जो मुझे पता चलता है कितने टिकट कंफर्म है, और मैं देखिए मैं मेरे कहने का मतलब कि मैं एक वर्कर टाइप का हूँ, मैं रेलवे का कर्मचारी होता तब ना मुझे पता चलता कि कितने फैन हैं और कितने लोग हैं और कौन, हाँ भाई कितने फिट नंबर है इनका। अब हाँ हम कहाँ हैं, हम रेलवे पे टिकट काटी ले, अब इन लोग के बुझात हो कि ना खेसारी रेलवे के टीटी है, पता वगैरह लगे चार्ट शीट बात हाँ इंदिरा के जानी ले। लेकिन आप इस माध्यम भैया, लेकिन आपको अपने फैन से अपील इसी माध्यम से कीजिए, मैं बिल्कुल किसी को गाली नहीं, मेरे फैन हो चाहे भाई अदरवाइज किसी के भी फैन, मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी आर्टिस्ट के लिए किसी आर्टिस्ट को गाली आपको देने का कोई हक नहीं है, आप बिल्कुल मत दीजिए, ये आपका दही तो बनता है, क्योंकि हर आदमी की माँ माँ की तरह ही होती है और माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है, बहन बहन की तरह होती है और बहन का दर्जा बहुत बड़ा होता है, आपको जिसको नहीं सुनना है आप मत सुनिए, लेकिन आप प्रतिक्रिया किसी के लिए दीजिए तो एक सभ्यता रूप में दीजिए, आप बोल दीजिए जो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, कुछ और गाना गाओ यार, मेरा कहने का मतलब यह है आप डायरेक्ट किसी को गाली देकर और किसी को अपने अपनी जुबान गंदा करके आपको क्या मिलेगा उससे, ना मैं किसी को घर चलाता हूँ और ना ही बाकी कोई स्टार किसी का घर चलाने वाला है, हम एक मनोरंजन के साधन है तो मैं चाहता हूँ कि मनोरंजन के साधन को मनोरंजन करिए, उसको अभद्रता के साथ और गाली गलोच के साथ गंदा मत करिए, और उसको परोसिए तो अच्छे तरीके से परोसिए, आप किसी के भी आज नहीं तो कल उस आदमी का कोई भी गाना आएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप ही तारीफ करेंगे, तो अगर आप अपने आचरण को अपने विचारधारा को अच्छा रखेंगे तब ना आप दुनिया कहीं ना कहीं अपना लेगी। जब आप बताइए अगर खेसारी के फैन है, अगर पवन जी को गाली देते हैं या दिनेश जी को देते हैं या मनोज भैया को या किसी अदरवाइज किसी भी इंसान को देते हैं तो क्या लगता है वो मुझे नहीं देंगे? बिल्कुल सही बात, आज नहीं तो कल वो मुझे भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे बड़े भैया पवन गर्जीवन स्वरूप पवन भैया का अगर फैन है, चाहे दिनेश भैया का फैन है, अगर वो उनके तरफ से मुझे गाली देते हैं तो क्या वो उनको नहीं देंगे?
तो मैं तो लोगों से निवेदन है तो खेसाल जी के जो भी